दिवाली से पहले त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। इसी के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी मिलावटखोरों के खिलाफ कमर कसी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला भर से खाद्य वस्तुओं के सैंपल एकत्रित करने शुरू कर दिए हैं। त्योहारी सीजन में अधिकतर मिलावट वाली मिठाइयों से शहरवासियों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयासरत है। दीपावली पर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना तैयार कर ली गई है। अभी तक 30 सैंपल ले लिए गए हैं और 65 से 70 सैंपल लेने का टारगेट रखा गया है, जिसमें अधिकतर मिठाइयां और दूध से बने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाएंगे। जितने भी सैंपल अभी भरे गए हैं, उनमें से अगर किसी की भी रिपोर्ट नेगेटिव आती है या उसमें कोई मिलावट की मात्रा मिलती है, तो उसे दुकानदार के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमारी दो टीम गठित की गई है, एक हमारी जो जोन वन देख रही है और एक टीम जोन टू एंड थ्री देख रही है। तो इसमें अभी तक हमने कोई 30 सैंपल भर दिए हैं, जिसमें कुछ लीगल सैंपल है और कुछ सर्विलेंस सैंपल है। और अभी दिवाली से पहले हमारा टारगेट है 65 से 70 सैंपल, जिसमें कुछ लीगल है और कुछ सर्विलेंस सैंपल भरने की कोशिश रहेगी। अधिकतर सर किस चीज़ के सैंपल जो इस समय लिए जाएंगे? इस समय हम ज़्यादा फोकस हमारा मिठाइयों के ऊपर है एंड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर। संदेश आपका जो बस ये लोगों को ये संदेश है, जो भी आप सामान खरीदें उसको अच्छी तरह से चेक कर लें। यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो डिपार्टमेंट से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। रिपोर्ट का तो नहीं, पर एनालिसिस का टाइम होता है 14 दिन के अंदर। रिपोर्ट तो 1 महीने के अंदर आ जाती है हमारे।